संबंध परिषद विदेश मंत्रालय भारत सरकार अने गुजरात यूनिवर्सिटी ना सहयोग थी एक्जिट एंगेजमेंट इवनिंग एटले के E3 कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रमनो मूळ उद्देश्य गुजरात में जे विदेशी विद्यार्थियों गुजरात में भणीने जे उत्तीर्ण थया छे ए विदेशी विद्यार्थियों ने अपना भारतनी संस्कृतिनो जाण थाय ते माटेनो आ कार्यक्रमनो आयोजन करवामां आवेल हतुं। आ कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय प्रवासन मंत्रालय अने खादी इंडस्ट्रीयल कमिशनना सहयोग थी विदेशी विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति थी अगत्य करावानो उद्देश्य हतो, जेथी करीने आ विदेशी विद्यार्थियों पोताना देश में भारतनी संस्कृतिनो अने भारतना व्यापार जगतनी साथे साथे भारतना प्रवासन अने भारतना आयुर्वेदिकनो प्रचार प्रसार करी भारतनी संस्कृतिनो देशना विद्यार्थियों त्यांना लोकोने भारतनी संस्कृतिथी अवगत करावी शके। आ आयोजनना भागरूपे भारतीय संस्कृति संबंध परिषदना प्रमुख श्री विनय सहस्त्र बुद्धिजी अने गुजरात यूनिवर्सिटीना कुलपति श्रीमती नीरजा अरुण गुप्ता हाजर रह्या हता અને સાથે ઉપરોક્ત મંત્રાલયમાંથી પણ હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા, જે લોકોએ આપની સંસ્કૃતિનું પ્રેઝન્ટેશન આપેલું હતું। આ કાર્યક્રમમાં જે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે એ લોકોને પરિષદ દ્વારા સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા અને કાર્યક્રમના અંતે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દ્વારા એની પૂર્ણાહુતિ કરાઈ હતી। CCR के माध्यम से बहुत सारे छात्र विदेशों से भारत में आते हैं और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में वो पढ़ते हैं। तो जब वो पढ़कर बाहर जाते हैं अपने देश में, तब जाते समय वो भारत में जो खादी कमीशन काम करता है, टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो काम करता है, आयुष मंत्रालय जो काम करता है, उसके माध्यम से अपने देश में क्या व्यवसाय किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण, इसकी जानकारी, इसके बारे में एक ओरिएंटेशन उनको प्राप्त हो, इसलिए ये कार्यक्रम जिसको हमें एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग कहा है और इसके अंदर एक कल्चर कनेक्ट का प्रोग्राम है, उसके लिए आज का कार्यक्रम था। और गुजरात में पढ़कर वापस जाने वाले लगभग 100-150 छात्र आज यहाँ कार्यक्रम में आए। जो पढ़ के जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्या दिया गया? केवल अप्रिशिएट नहीं करना है, मगर उनको अपने देश में काम करने के लिए कुछ अवसर देना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है। तो वो कौन देगा? तो हमारा आयुष मंत्रालय देगा, टूरिज्म मिनिस्ट्री देगी, खादी कमीशन देगा, ये उसका उद्देश्य है।